थैंक्स सुजीत, वंस अगेन वी आर मीटिंग दिस टाइम। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करा था, आपकी जर्नी समझी थी, कैसे आप अपना जौनपुर से स्टार्ट हुए, कैसे आप यूएस आए, कितना आपने पढ़ाई करी, कैसे आपने पीएचडी करी। तो उस दौरान काफ़ी हमारे टेक अवेज थे, और उससे हमें पता चलता है कि अब हमें आपके साथ और फर्दर डीप डाउन डिस्कस करना है और जानना है आपके बारे में। तो हम शुरू करते हैं कि आप जब फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज या फंडामेंटल रिसर्च पे आप जब फोकस करते थे अपनी पीएचडी के दौरान, और उसके तहत आपने आगे जाके अपनी पोस्ट डॉक भी करी अपनी 1 साल, बट उसी दौरान कहीं ना कहीं आपने, जैसे पिछली बार बताया था, कि आपके दिमाग में आ चुका था कि अब आप बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं इस चीज़ को, इस चक्कर में आपने कॉर्पोरेट में मूव करे। तो आप थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में बता सकते हैं कि जो आप जो थियोरिटिकल फिजिक्स थी, या आप जो फंडामेंटल जो साइंसेस थी उसके अंदर जब आप फोकस कर रहे थे, ये आपका दिमाग में कब आइडिया आया कि कब फोकस करना है, कब कब ट्रांजिशन करना है आपको एक अप्लाइड की तरफ, और आपने जो जो मूव करा कि आप एकेडमिया से हटके अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अर्पित, थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग दिस सेकेंड कन्वर्सेशन. आई रियली एंजॉयड आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, एंड होपफुली दिस विल ऑल्सो बी एज फन एंड प्रॉबली एज यूजफुल फॉर द पीपल हु वॉच. सो या लेट्स गेट इनटू दिस. तो मैं जैसे लास्ट टाइम हमने बात की, कैल्टेक से पीएचडी करने के बाद मैं उसी थ्रेड को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सियाटल आ गया था पोस्ट डॉक के लिए. एंड पोस्ट डॉक फर्स्ट ईयर, लाइक अगेन आई वाज काइंड ऑफ जस्ट बिल्डिंग अप ऑन द थिंग्स आई हैड डन ऑन ड्यूरिंग माय पीएचडी. बट धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि मेरे खुद के इंटरेस्ट में और फोकस में चेंजेस आ रहे थे. एंड अभी नाउ लुकिंग बैक, लाइक इट ऑल मेक्स सेंस, लाइक व्हाई वो चेंजेस आए एंड ऑल. बट उस टाइम पे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कम कि मैं पूरे टाइम फिजिक्स 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 बिल्डअप करते हुए आया. जैसे कि हमने बात की कि अंडर 100 रैंक होने के बावजूद मैंने फिजिक्स ली, विच इज़ नॉट टिपिकल इन इंडिया. और उसके बाद पीएचडी की. तो बट मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट अब जो है चेंज हो रहा है. एंड रेट्रोस्पेक्टिवली आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. व्हाट वाज हैपनिंग वाज माय इंटरेस्ट इन फिजिक्स वाज मेनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट. Understanding something and building something are two different things, right? Like understanding how a car works and understanding how to make a car are two different things, right? Like a mechanic can fix a car, but they don't necessarily know all the fundamental laws of physics that goes into making a car work. So I think I was kind of going through that transition, which was natural at the time. And तो मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कि किसी चीज को लिख के समझो और फिर उस पर पेपर लिखो, एकेडमिक पेपर लिखो, उसमें धीरे धीरे कम हो रहा है. तो उसके कई रीजन दिए जा सकते हैं. एक तो ये था कि आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशली अगर आप किसी नीश फील्ड में चले जाते हो, जैसे कि जिसमें मैं था. तो दुनिया में बहुत कम उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो मैं अपनी फील्ड का आपको बता सकता हूँ कि मैं इतनी मैथमेटिकल फिजिक्स की फील्ड में, ऐसी नीश फील्ड में था कि दुनिया में शायद 5 से 10 लोग होंगे जो पेपर लिखते हैं और जो एक दूसरे के पेपर पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो एक फील हो. अब थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाके कि क्या रिसर्च थी आपकी, लाइक आपने जब थीसिस सबमिट करी होगी तो क्या डिफाइन कर रहे थे आप, क्या प्रूव करा आपने या क्या डिस्कवर करा आपने, क्या थी आपकी थीसिस? तो मेरा जो जो रिसर्च टॉपिक था वो अगेन लाइक नॉर्मल लाइफ, कॉमन लाइफ से काफी दूर जाके है. वो था कि क्वांटम सिस्टम्स जो होते हैं, कि जो बहुत छोटे सिस्टम्स होते हैं, उनके उनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनके लॉज जो होते हैं वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लाइफ से. तो टू गिव एन एग्जांपल, एक समथिंग चीज कॉल्ड आपसे एक चीज रोकूंगा, जैसे आपने क्वांटम का शब्द इस्तेमाल करा, अब बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने क्वांटम शायद सुना नहीं होता, तो बाइनरी तो सबने कॉन्सेप्ट समझा होता है, जैसे कंप्यूटर्स देखते हैं कि भाई जीरो, दो ही स्टेट हो सकती है किसी भी चीज की, 0 या 1, बट ऐसा सुना गया है कि क्वांटम में लोग कई बार बोलते हैं कि एक ही चीज एक ही वक्त पे दोनों स्टेट में भी हो सकता है, तो चार हाँ स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या होता है एग्जैक्टली? बिल्कुल वही उसी 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 बात को मैं बताने जा रहा था कि उसको जैसे उसको क्वांटम सुपरपोजिशन बोलते हैं.
कि नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में हमें आदत है कि चीजें जैसे कोई बॉल है वो या तो हमें पता है कि या तो वो यहाँ है या यहाँ पे है, नॉर्मल लाइफ ऐसे काम करती है। मगर अब ये यूनिवर्स का अपना एक मिस्ट्री है कि जब आप बहुत छोटे स्केल पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके चीजें बहुत मिस्टीरियसली बिहेव करती हैं। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स में कि बहुत छोटी चीजें लाइक इलेक्ट्रॉन और इवन एटम्स वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक साथ हो सकते हैं। और अगेन इसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, बट मैथमेटिकली यू कैन मॉडल इट। यू कैन मॉडल एक एटम या इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ 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 हर जगह एक साथ है। तो उसी मॉडलिंग को क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं और क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो ये जैसे बता रहे हैं ये, तो ये हमारा परसेप्शन होता है कि एक ही समय वो कई जगह पर हैं, या ये फिजिकली एक ही समय पे कई जगह पे होते हैं? तो इनफैक्ट फिजिकली एक कई जगह पे होते हैं बट परसेप्शन नहीं होता। तो वन वियर थिंग इज कि जब आप उसको लोकेट करने की कोशिश करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन मिलता है एक ही जगह पे हमेशा, मगर अगर आप उसकी पूरी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करो तो वो बिहेव ऐसे करता है कि वो कई जगह पे एक साथ था। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसको लोकेट करने की कोशिश करोगे तो कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, मिलेगा एक ही जगह। तो हमारा इन दैट सेंस परसेप्शन जो है वो अभी भी क्लासिकल है कि वो एक ही जगह पे मिलेगा। मगर मगर आप थोड़ा सा बार आपको रोकूंगा यहाँ पे। आई थिंक आप बड़े इंटरेस्टिंग चीजें बोल रहे हो, तो मैं भी समझू कि मैं भी कुछ समझ पाऊँ। शायद मैं भी सोचना चाह रहा हूँ, मेरा कुछ इंटरेस्ट जागृत हो गया इस चीज में। कि जैसे ये मान लीजिए इसका सर्कल है, क्या बोलते हैं, आप उस पर मत जाइए जो लिखा हुआ है, बस आप सर्कल को देखिए। आधा सर्कल दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये पोजिशन है इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग तीन पोजिशन दिख रही है आपको इस वक्त। जब आप बोल रहे हैं एक ही समय पर वो तीन जगह एग्जिस्ट, मतलब कई जगह कर सकता है, तो एक अगर मैं देखूं उसको और आपके मॉडलिंग के थ्रू देखूं, तो कहने का ये मतलब है कि एक ही समय पे मुझे तीन दिखाई देंगे। एक अगर उसकी धुरी है, एक एक, एक उसका ऑर्बिट है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन का, तो उस पूरे ऑर्बिट में मुझे हर तरफ दिखाई देंगे वो, या मुझे किसी एक जगह, जब जो मैं उसे उसको डिटेक्ट करूंगा तो सिर्फ एक जगह दिखाई देगा क्योंकि इस वक्त वो उस धुरी में वहां पर था। क्या इसका ये हो सकता है अंडरलाइन ट्रूथ कि वो इतनी तेज रिवॉल्व कर रहा है बैठ के कि हम लोग अपने जो हमारे इक्विपमेंट है हम उसे मतलब परसीव ही नहीं कर पा रहे इतनी, क्योंकि इतनी तेज घूम रहा है वो कि हमें जो हर तरफ है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप कोई चीज जैसे बहुत तेज घुमा देते हैं तो हमें वो सर्कल लग जाती है, मतलब इट सीम्स कि वो पूरा सर्कल बना रही है, लेकिन होती तो वो भी कहीं से एक ही जगह पर है अगर बहुत तेज घुमाओ तो, बट वो सर्कल बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि डिस्क घुमा रहे हैं जबकि होता है वो बॉल है या कुछ है। तो ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, या मतलब एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या क्या ऐसा कुछ है या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको, इस एरिया को बोलते हैं, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया, इट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा विच इज एन एक्टिव रिसर्च एरिया। एंड आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स हैज बीन देयर नाउ फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। इट स्टार्ट इन 1920s, और उसको यूज भी होता है, फिजिसिस्ट यूज भी करते हैं बहुत, मॉडलिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, पर आज तक किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। जैसे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, हाँ एंड द फनी थिंग इज कि मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस, लाइक यू कैन डू ऑल मैथमेटिक्स, बट व्हेन यू ट्राई टू विजुअलाइज और ट्राई टू थिंक कि ओके व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, देन नोबडी रियली नोज व्हाट दैट मीन्स। देयर इज अ फेमस कोट फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, अमेरिकन फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन, ही सेड इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये काफी मिस्टीरियस है। इसी पे छोड़ना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ये घूम नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, हमारी कॉमन सेंस इंट्यूशन ब्रेक होने लगती है वहां पे जाके कि वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है एज अ क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की है, कुछ प्रोबेबिलिटी वहां होने की है, कुछ प्रोबेबिलिटी वहां होने की है, यू कंटिन्यू द सेम बट क्वेश्चन, आप कंटिन्यू रहिए आप। नोबडी नोज कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। बट आप ये फनी थिंग है कि जब आप इसको देखने लोकेट करने की कोशिश करते हैं तो मिलता है एक ही जगह पे है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल आई थिंक एक एक तरह से दिया जा सकता है कि आपने अगर कभी क्यूब, 3D क्यूब जो होता है
उसकी कभी अगर आप फोटो देखें जैसे पेपर पे अगर बनाइए, उसके बनेगा। हाँ दो साइड होते हैं, पीछे टू साइड होते हैं राइट। एक आगे का। मगर हाँ फनी थिंग इज कि आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। लाइक ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा साइड आगे है कौन सा साइड पीछे है ठीक ना, है हाँ राइट वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। करेक्ट सेम क्यूब लाइक सेम पिक्चर, आप उसको दोनों तरह से इमेजिन कर सकते हैं। बट करेक्ट जब आप एक तरह से इमेजिन करते हैं तो फिर वो दूसरा वाला इमेजिनेशन चला जाता है। और तो आप तो सुपर पोजिशन का एक एनालॉजी उस तरह से दी जा सकती है कि वो क्यूब वो जो है वो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, मगर जब हाँ आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तो दिखता एक ही तरह से है। ठीक तो है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसी क्योंकि इसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से पूरी मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से वो मैथमेटिकली बहुत इन्वॉल्व होती है। तो मेरा राइट जो काम था, मेरा जो पीएचडी थीसिस थी, वो इसी इसी चीज पे था। बट नॉट ओनली वन सिस्टम्स बट मैनी, तो लाइक अगर आप कई एटम से एक साथ रखते हैं तो वो इंट्रैक्ट करने लगते हैं। तो उस इंट्रैक्शन को मॉडल करना कि वो इंट्रैक्शन जो है वो कैसे मॉडलिंग की जा सकती है उसकी। तो उसके लिए मैं एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो कि अब AI वगैरह कम्युनिटी में भी अपना फेमस हो गया, टेंसर। हाँ मैं टेंसर टेंसर, मेरी अगर आप मेरी थीसिस देखें तो वो टेंसर नेटवर्क्स पे थी कि मॉडलिंग क्वांटम सिस्टम्स यूजिंग टेंसर नेटवर्क। तो टेंसर जो होता है अपना ये बैक प्रोपोगेशन होता है या कॉन्वोल्यूशनल होता है, किस तरीके का न्यूरल नेटवर्क होता है? तो बैक प्रोपोगेशन, क्योंकि हम फिजिक्स में यूजली थिंग्स आर, अगेन दिस इज नाउ गोइंग थ्रू द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च और अप्लाइड वर्क। इसमें तो भी जो भी हमारा देखेगा वो पक्का घूम जाएंगे वैसे ही, नो अप्लाइड नर्ड्स उसमें आ गए हैं बिल्कुल ही। मतलब मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक को। बिल्कुल आई थिंक मैं एक चीज और लाना चाहता हूँ। तो आपने बताया जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, जब इसके इंटरप्रिटेशन पे आप जाते हैं तो बहुत मिस्टीरियस होती चली जाती है, और आज तक भी लोग फिगर आउट ही कर रहे हैं बैठ के। तो पूरे एक एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है इसका कि एग्जैक्टली ऐसा है या वैसा है। तो एक और चीज है जो जिसका ऑलमोस्ट इसी तरीके का मतलब इंटरप्रिटेशन है, जिसका आज तक जो है डेफिनेटिव आंसर नहीं है, लेकिन सब मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं। वो चीज है लाइक जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जो है ये कैसे आया। अब थ्योरी तो ये कहती है बिग बैंग की भाई बहुत एक कोई कंसोलिडेटेड मैटर था, बहुत समय तक वो कंसोलिडेट होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, एक दिन उसको जगह नहीं मिली कंसोलिडेट होने की तो वो फट गया। जब वो फटा तो उसमें से सारे मास और गैस और फलाना और ढिमकाना सब निकल गए बाहर, और आज वो दिन का दिन है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था, और आज का दिन है वो एक्सपैंड ही होता चला जा रहा है यूनिवर्स। तो अगर हम इस टॉपिक को माने कि ये सच्चाई थी, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो पहले जो मैटर था जो एक साथ था उससे पहले था, क्या क्वांटम फिजिक्स करने की कोशिश करती है, या ये ऑर्थोगोनल टॉपिक है? इज दिस समथिंग दैट इज रिलेटेड विद क्वांटम फिजिक्स और नॉट? दे आर रिलेटेड वेरी डीपली इन इन द सेंस की बिकॉज, तो हियर्स द आंसर। तो दे आर टू पार्ट्स ऑफ फिजिक्स जो यूजली इंटरेक्ट नहीं करते हैं जब बहुत छोटी चीजों के बारे में बात होती है। देखिए जो नॉर्मल लाइफ है इसमें तो क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटोनियन फिजिक्स हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, दैट्स इनफ। यू जस्ट नीड टू नो न्यूटोनियन फिजिक्स टू यू नो मेक जस्ट आई थिंक फॉर बिल्डिंग। सिंपलिसिटी से आप थोड़ा सा ना डिफाइन कर दो क्लासिक फिजिक्स क्या होती है और लाइक क्वांटम फिजिक्स क्या, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस हाँ, कॉन्वर्सेशन। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है कि हमारी एवरीडे लाइफ की जो फिजिक्स है, कि हमने बॉल गिराई नीचे गिर गई, सिविल इंजीनियरिंग जिसपे बेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसपे बेस है, वो राइट सारी राइट जो जो हम हम हाई फील स्कूल में करते पढ़ते हैं। हैं एक्सपीरियंस करते हैं जो कुछ ले। हाँ, जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है वो क्लासिकल फिजिक्स है। उसके बाद दो अलग फिजिक्स हैं, एक है क्वांटम फिजिक्स जो कि बहुत छोटी चीजें जो होती हैं, ठीक है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, यू नो राइट इन चीजों पे, वहां पे क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होती है जो कि क्लासिकल फिजिक्स से डिफरेंट है। वहां पे क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो या ये बहुत छोटी। उसके बाद बहुत बड़ी चीजें, तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है इसमें इससे जो बहुत बड़ी चीजें, तो फॉर एग्जांपल सन एंड स्टार्स एंड ब्लैक होल्स एंड गैलेक्सीज एंड एंड द यूनिवर्स एज अ होल, राइट वहां पे आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी और लेट्स से जस्ट थियरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है। तो राइट ये दो स्ट्रीम्स हैं फिजिक्स के, बीच में क्लासिकल है, क्लासिकल विल अंडरस्टूड है,
क्वांटम है इधर ये, और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जनरल रिलेटिविटी से बहुत कुछ समझ सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत कुछ समझ सकते हैं। पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा जो गूढ़ जो जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है वो ये है कि क्या होता है जब क्वांटम और रिलेटिविटी और ग्रेविटी, जिसको थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, वो दोनों साथ में आते हैं। ज्यादातर उनकी साथ में जरूरत नहीं पड़ती। रीजन है कि जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनका मास ज्यादा नहीं होता। तो आपको अगर याद होगा हाई स्कूल में कि ग्रेविटी जो होती है मास से आती है, तो उनका मास नहीं होता तो वहां पे आपको ग्रेविटी थियरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एटम का ग्रेविटी इतनी छोटी है कि वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह ये चीज बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें निकल के आता है। एटम का मास बहुत कम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तब भी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ग्रेविटी तो उनमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो ना कि ग्रेविटी। अच्छा तो इस वजह से अक्सर फिजिक्स काम करती है क्योंकि दोनों अलग अलग रेल्म्स हैं। आप बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी की थियोरी यूज करिए, यहाँ बात करें क्वांटम। क्वांटम भी तो करें। आप जब जब बिग बैंग की बात करते हैं तो बिग बैंग इज वन ऑफ दोज इवेंट्स और वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे वो बहुत छोटा भी था, जैसे आपने बोला जो इनिशियल जो सिंगुलैरिटी थी बहुत 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 छोटी थी, एटम से भी छोटी थी, और बट उसका मास बहुत ज्यादा था इन अ सेंस, राइट? लाइक क्योंकि उससे पूरा यूनिवर्स आया। तो उस चीज को समझने के लिए आपको बोथ ग्रेविटी की थियरी और क्वांटम की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाई है। फिजिक्स ये नहीं फिगर आउट कर पाई है कि इन दोनों अलग अलग थियरीज को साथ में कैसे रखें। इन दोनों को साथ में रखने को बोलते हैं क्वांटम ग्रेविटी। तो क्वांटम ग्रेविटी इज एन अनसॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स। एंड जस्ट टू गो बैक अ लिटिल बिट टुवर्ड द पोस्ट डॉक थिंग, आई फाउंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्विच्ड आउट ऑफ एकेडेमिया वाज आई फाउंड कि मेरा इंटरेस्ट जो था धीरे 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 उसी डायरेक्शन में जा रहा था कि आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन क्वांटम ग्रेविटी प्रॉब्लम्स। बट वो प्रॉब्लम जो है वो इतनी हार्ड है और इतने साल की कोशिशों के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाई है। तो दे आर ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली नो जॉब्स इन इट। सो इट्स लाइक इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम इट्स जस्ट सुपर हार्ड टू एक्चुअली गेट एनी जॉब्स। सो दैट वाज ऑल द रीजन जस्ट काइंड ऑफ टू टाई इट बैक। बट आपका आपका वो जो बिग बैंग वाला क्वेश्चन है उसका उसका आंसर यही है कि फिजिक्स डजंट नो, फिजिक्स डजंट नो बिकॉज वहां पे इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। वहां पे जैसे आप वन ओवर एक्स के बारे में सोचो और एक्स जैसे जैसे जीरो के पास आता है इनफिनिट की तरफ चला जाता है तो वहां ब्रेक हो जाता है। तो सेम चीज फिजिक्स के साथ होती है। हाँ, तो फिजिक्स के साथ सेम चीज होती है कि जब आप ऐसी बिग बैंग जैसी चीजें, और ना केवल बिग बैंग ही नहीं, इनफैक्ट दिस हैपेंस इन ब्लैक होल्स आल्सो, कि उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है बट एट द सेम टाइम उनके साइजेस जो इन्वॉल्व है वो इतने इतने छोटे हैं कि आपको टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू हैव बोथ क्वांटम एंड ग्रेविटी एंड फिजिसिस्ट डोंट नो हाउ टू डू दैट। व्हेन आप जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन ब्लो अप हो जाते हैं, तो नोबडी नोस हाउ टू डू इट। सो इट्स काइंड ऑफ हां बिल्कुल नहीं, ये बढ़िया अच्छा था, ये दिस वाज गुड एक्चुअली। तो चलो ये बात तो समझ में आई कि आप लोग क्वेस्ट कर रहे थे इसकी अंदर जाने कर रहे थे और आप एक एक लिमिट्स तक पहुंच गए कि भाई बहुत कठिन है और उसके ज्यादा लोग इस फील्ड में रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं तो मे बी जॉब प्रोस्पेक्ट इतने ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इससे करें कि आपने सोचा उसके बाद कि चलो अब मैं कॉरपोरेट में बेसिकली अपना ट्रांजिशन करता हूँ कि अब बहुत हुई पढ़ाई, अब कमाने की बारी आ गई, तो जब आप वो ट्रांजिशन कर रहे थे तो आपको कैसे मेहनत करनी पड़ी, मतलब क्या करना पड़ा? आप जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बहुत इंटरव्यूज दिए आपने कई जगह, फिर आपको जो पहला ब्रेक मिला अमेज़न ने दिया आपको, तो जर्नी के बारे में उसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि हाँ, कुछ करी, क्या आपको सेटबैक्स लगे लाइक, और उससे और आप अपने आपको मोटिवेट कैसे करते रहे कि नहीं मैं करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक कि मुझे मिल नहीं जाता अपना बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब? तो जैसे मैंने बोला कि मोटिवेशन मेरा थोड़ा उस डायरेक्शन से ही आ रहा था कि मैं एकेडेमिया में, टू यूज अ वर्ड, आई थिंक मैं थोड़ा बोर हो गया था कि मैं एकदम जो जो प्रॉब्लम एक्चुअली इंटरेस्टिंग उस पर काम नहीं कर सकता, क्वांटम ग्रेविटी। तो जिन प्रॉब्लम्स पे मैं काम कर रहा था वो धीरे धीरे ऐसा लगा कि रेपिटेटिव हो गई है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी टाइम पे मैंने कुछ टॉक्स सुनी उस टाइम पे मशीन लर्निंग के बारे, उस टाइम मुझे मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बट एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और वहाँ पे किसी फिजिक्स के ही किसी ने जो कि मशीन लर्निंग पे काम कर रहा था उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया
कि वो अपने स्क्रीन पे कोई भी नंबर लिख रहा था और उसका प्रोग्राम वॉज एबल टू टेल कि ये कौन सा नंबर है. एंड इट्स लाइक नाउ आई नो कि इट्स सच अ यू नो ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, पर उस टाइम पे लगा कि वाव दिस इज सो सो ऑसम. एंड वहां से मेरा इंटरेस्ट एक तरफ ये अप्लाइड चीजों की तरफ आना शुरू हुआ. तो एक बार फिर मन बन गया तो फिर मैंने लोगों से बात की, इंटरव्यूज देने शुरू किए. बट जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड और मेरी मेरी स्किल्स वगैरह सारे बहुत ज्यादा फंडामेंटल रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड थे. तो मुझे कोडिंग बहुत कम आती थी, मुझे इवन पता भी नहीं था कि कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं, मतलब वो उनके उनके इंटरव्यूज में वो व्हाट आर दे ट्राइंग टू सी. एंड तो वो कैचअप करते करते काफी टाइम लगा. एंड वन ऑफ द वेज आई कॉट अप वाज आई जस्ट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे बहुत से फ्रेंड्स आईटी के, ज्यादातर फ्रेंड्स फंडामेंटल रिसर्च में नहीं है, वो कंपनीज में हैं, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं. तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया. एंड आई बिकेम वेरी हम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक आई वॉज लाइक कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहा हूँ, अब मैं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो आई नीड टू टेक अ हम्बल अप्रोच, यू नो कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ नहीं पता. तो मैंने लोगों से सीखना शुरू किया, इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज में फेल भी हुआ. वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे मशीन लर्निंग के, स्टेटिस्टिक्स के, जो चीज़ें मुझे इतनी नहीं पता थी. तो मैं फंस जाता था उसमें क्योंकि मुझे बहुत बहुत लाइक सरफेस नॉलेज थी उस टाइम पे. तो धीरे धीरे वैसे ही बिल्ड करते करते आई थिंक फिर मैंने एक बार जब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये वो देख रही है, मुझे इस तरह से तैयारी करनी, इन 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 टॉपिक्स की तैयारी करनी है, तो देन अगेन आई वेंट इनटू दैट सेल्फ स्टडी मोड एंड जस्ट यू नो लर्न वेरी डीपली मशीन लर्निंग, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थियरी और कोडिंग, सीक्वल, पाइथन. सो देयर वर लाइक अ बंच ऑफ थिंग्स. बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, इट वाज रिलेटिवली सिंपल फॉर मी टू कैच अप. और उसके बाद फिर इंटरव्यू थोड़े बेटर होने लगे. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा ध्यान कर पाए, कितने इंटरव्यू हुए जो आपको रिजेक्शन मिली उसके बाद आपको बेसिकली पहला ब्रेक थ्रू मिला, कितने, कुछ आइडिया है कि ऑर्डर क्या था उसका, हाँ, 10 या 100 और मेरे क्या ख्याल से क्या? मैं यहाँ तो शुरू में मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे वो टेक के नहीं थे, अच्छा वो वॉल स्ट्रीट फर्म्स के थे. अच्छा कौन कौन बनना चाह हाँ, रहे हो क्वांट की आप? तरफ, क्वांट की तरफ. क्योंकि आई डोंट नो इफ यू नो, बट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस अक्सर जब एकेडमिया छोड़ते हैं तो वॉल स्ट्रीट इज लाइक वन ऑफ देयर फर्स्ट टू गो पैसा प्लेसेस. कितना था वो लेते भी वैसे लोगों को काफी है, दोनों ही हाँ, बात। तो जैसे मेरे तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं वॉल स्ट्रीट की तरफ मैं इंटरव्यू कर रहा, क्योंकि मेरा जो कैलटेक में जो मेरा रूममेट था, ही वाज अ अच्छा मैथमेटिशियन. अच्छा वो कैलटेक के तुरंत बाद, ही डिडंट डू अ पोस्ट डॉक, ही डायरेक्टली वेंट इनटू वॉल स्ट्रीट फर्म. एंड ही वाज ही लुक क्वाइट हैप्पी एंड सक्सेसफुल एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो उसने मुझसे बोला कि सुजीत, लाइक आई मीन डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, लाइक इट्स दीज आर वेरी चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. तो यू नो तो वहां से मेरा मोटिवेशन बना. तो शुरू के जो इंटरव्यूज थे वो उनके थे. एंड बट उनके आई वुड से एज माइट बी वेल नोन टू मेनी कि उनके इंटरव्यूज का लेवल और हाई होता है. टेक राइट का उनके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो और इन डेप्थ होते हैं. तो आई वॉज इन सक्सीडिंग. तो आई थिंक मैं कम से कम 4-5 इंटरव्यू में फेल हुआ, लाइक पहले ही राउंड में फेल हो गया. तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे केवल मेरे ये क्रेडेंशियल देख के जॉब नहीं देने वाले. लाइक आई एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं मेरे क्रेडेंशियल देखो, मैं इंटेलिजेंट तो हूँ ही, मुझे जॉब दे तो मैं सीख लूंगा. तो मुझे थोड़ी टाइम में समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होगा, अब मुझे थोड़ा पहले सीखना तो पड़ेगा. अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आपको ये जो इंटरव्यू की कॉल आ रही थी, आपकी इसमें यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, आपको खुद जाके अप्लाई करना पड़ता था जाके? अच्छा हाँ, तो ये भी तो ये इसमें मैंने हेल्प ली अपने फ्रेंड से. मगर वॉल स्ट्रीट के जो कॉल्स आते थे वो मेरे केवल क्रेडेंशियल्स की वजह से आते थे, कि मेरे पीएचडी इन फिजिक्स थी तो रिक्रूटर्स मुझे अप्रोच करते थे ऑलरेडी. तो वहाँ से मुझे आते थे. टेक के इंटरव्यूज फ्रेंड्स फ्रेंड्स के थ्रू मोस्टली आए, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी आए. टेक में मैंने एक्चुअली दो ही इंटरव्यू दिए. पहला था वॉलमार्ट में दिया मैंने, जो कि आई डिडंट सक्सीड देयर. एंड सेकेंड वॉज अमेजोन. तो बट उस टाइम जब मैंने अमेजोन, ये सुन के मुझे हैरानी हुई, वॉलमार्ट में नहीं सक्सीड हुआ और अमेजोन में हो गया। हाँ वो, और इसका क्रेडिट मैं अमेजोन को दूंगा, इसका क्रेडिट मैं अच्छा अमेजोन को दूंगा, क्योंकि अमेजोन के जो मेरे इंटरव्यू टीम थी उन्होंने केयरफुली मेरा रिज्यूमे स्टडी किया. उन्होंने समझा, मुझे थोड़ा सा समझा कि मैं अलग डायरेक्शन से आ रहा हूँ, कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो टिपिकल नहीं है.
तो ये वॉलमार्ट वालों ने ऐसा नहीं किया, वॉलमार्ट ने मुझसे एकदम बिल्कुल सीक्वल के क्वेश्चन पूछ लिए कि डेट ऐसे करते हैं. तो मैंने बोला मैंने आज तक डेटाबेस के साथ काम ही नहीं किया है, मुझे सीक्वल क्या पता है. मैं बहुत तो और सर सीक्वल आपसे वो चीज है कि आप इनिशियली खुद से सीखना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको यू नीड टू इंटरेक्ट विद एक्चुअल डेटाबेस, राइट? लाइक पाइथन वगैरह फिर भी अच्छे से सीख सकते हो. तो एनीवेज, तो वहां पे इट डिडन्ट रियली वर्क आउट, बट ऐसा अमेज़न शुक्र है नाइस. आपसे उन्होंने वो नहीं पूछ लिया कि वो डेटाबेस सेटअप कैसे करते हैं और उसका हाँ, कनेक्शन। वो मुझे एग्जैक्टली मुझसे उस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे. वही तो अमेज़न वाज वेरी नाइस. अमेज़न ने मुझे पहली बार तो अप्लाइड साइंटिस्ट के रोल के लिए नहीं इंटरव्यू किया, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए किया. तो विच मीन्स दैट हाँ क्या रहता है उसके अंदर हाँ दे रिसर्च हैव डिफरेंट थिंग्स. तो अप्लाइड साइंटिस्ट में यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बट इन रिसर्च साइंस यू नीड टू नो, लाइक यू नीड टू बी जस्ट गुड एट क्वान्टिटेटिव स्टफ. सो कोडिंग कोडिंग यू बंदे डोंट लाइक, यू नीड टू नो लिटिल बिट मे बी, बट नॉट नॉट बेसिकली बिग. आई थिंक आप इस तरह से डिफाइन करेंगे तो रिसर्च वाले में आपको प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स नहीं लिखने पड़ते जबकि बिल्कुल अप्लाइड को डिप्लॉय करने पड़ेंगे मॉडल्स एक्चुअल देखो पड़ेगा एग्जैक्टली तो जबकि रिसर्च एग्जैक्टली थोड़ा आर से चल जाता है काम या थोड़ा बहुत पाइथन कर लिया या मे बी इवन सास या मैटलैब यूज करके अपने बस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट दिखा दिए एंड हाँ दैट्स बिल्कुल. ओके। तो रिसर्च साइंटिस्ट वही वो प्रोटोटाइप तैयार करते हैं और फिर वो दे देते हैं इंजीनियर्स और अप्लाइड साइंटिस्ट. तो अमेज़न का सेटअप ऐसा रहा है. तो अमेज़न एज आई सेड लाइक कूडोस टू देम दैट दे वर वेरी फेयर, द इंटरव्यू प्रोसेस वाज वेरी नाइस, वेरी यू नो आई रियली एडमायर देम फॉर इट. एंड दैट अलाउड मी टू, एंड दे ऑल्सो लाइक आई मीन स्ट्रेट अवे दे टोल्ड मी कि भाई इंटरव्यू में हम ये पूछेंगे, ऐसे उन्होंने अच्छा सीधे बता दिया. राइट तो राइट उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा था अमेज़न का, लाइक आई मीन आई रियली लाइक इट. तो उसकी वजह से और उस टाइम तक मुझे थोड़े आइडियाज भी हो गए थे कि मुझे कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है. तो आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट आई वुड से 6-7 months ऑफ लाइक स्टार्टिंग प्रिपेयर इंटरव्यूज एंड यू नो एंड प्रिपेयरिंग एंड देन फेलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड यू नो लाइक स्लोली कैचिंग ये भी अप. आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया क्योंकि ना बहुत से लोग कई बार ये गिवन मान लेते हैं कि भाई ये बंदा आईआईटी का है हाँ पीएचडी है तो क्या दिक्कत आने वाली है ना। आई थिंक आप बिल्कुल को जो मिथ है वो ब्रेक कर रहे हो आप आज ये करके और ऑनेस्टली आप बता रहे हो तो ये चीज और भी अच्छी है कि भाई चैलेंजेस सबको आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे का आईआईटी बोल दिए आज ये पीएचडी बोल दिए तो काम चल जाएगा ठीक है ना। आपको करना पड़ती है मेहनत सीखना पड़ता है तो आई थिंक मेहनत वाली चीज ना लोग देखते नहीं है कई बार ये ना वो मखौटा ओढ़ लेते हैं यार आईआईटी करता हो तो हो ही गया क्या फर्क पड़ता है या पीएचडी कर रखी थी वो तो हो ही जाता था ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा मिथ ब्रेक करा है इससे ये मिथ बल्कि मैं बोलूंगा मेरे दिमाग में भी था जब मैं शुरू में इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला ना कि मैं दे रहा था, जब मैंने अच्छा शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई मेरे तो क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे हैं, वो तो मुझे तो पलकों पे नहीं बिठा लेंगे. मगर दैट वाजंट ट्रू एंड दैट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस. एंड यू नो लाइक एंड एज इट गोज विद लाइफ, लाइक यू नीड टू फेस फेलियर टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. एज लॉन्ग एज पोएम यू कीप सक्सीडिंग यू काइंड ऑफ डोंट डोंट रियली लर्न, राइट? लाइक होती थी छोटे में हम पढ़ते थे सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट दो बाय दोज हु नेवर सक्सीड। मुझे राइट पूरी याद नहीं लेकिन मुझे आपने बोला तो मुझे एकदम से याद आ गया वो वाला। एक होती थी बड़ी लंबी पोयम होती थी 11th में थी कब थी मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली तो यही उसका एक ये स्टैंडा होता था सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड क्योंकि एक्जेक्टली जो सक्सीड हो रहा है तो उसके लिए तो रोजमर्रा का काम हो गया ना कि उसको कुछ एक्सपेक्टेशन लगा भाई दिन की अहमियत वही जानता है जिसने रात देखी हो बिल्कुल बिल्कुल या धरती या जमीन को वही चाहता है जब जो पूरे टाइम समुद्र पे रहता हो जब वो आ तो से लगता है कि वाह कि मैं कहाँ आ लोग तो डेली बैठे हुए हैं इसमें इस और बात मैं में तो बिल्कुल दो राय नहीं. और आपने भी, आपका भी करियर इतना लंबा रहा है, आपने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे कि अब मुझे एक और बहुत पसंद है कि यू नेवर यू गेट सक्सेसेस बट यू नेवर बिकम सक्सेसफुल. सो यस सक्सेसफुल एज अ स्टेट इज नॉट रियली ट्रू, लाइक इट डजंट, इट नेवर रियली हैपेंस, करेक्ट करेक्ट बिकॉज यू कैन ऑलवेज आफ्टर लाइक बेटर कर हाउ सकते हो सक्सेसफुल यू कैन स्टिल फेल. And हाँ the important thing is to learn from the failure. And I even in my own career this has happened multiple times. कि जैसे जब मैं IIT में गया था तो उस टाइम पे भी शुरू में अगेन लाइक आई फेल कि ओके आई एम रियली इंटेलिजेंट, आई एम गोना क्रैक दिस थिंग. बस फर्स्ट सेमेस्टर सीधे मुंह के बल गिरा मैं. कि आई जस्ट सडनली रियलाइज लाइक आई सॉ कि मेरा जो सिस्टम था काम करने का, इट वाजंट वर्किंग. एंड देन आई हैड टू लर्न, राइट? लाइक हाउ टू सक्सेस. तो आई तो थिंक दिस इसमें हैपेंस ना अगेन अगेन. राइट आई थिंक इसमें ना दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो आती है अडेप्टेबिलिटी अपने सेंसेस एग्जैक्टली में जाएं उसके तहत आप ढल जाएं उसकी तरफ तब राइट तो आप अपना लें उसको बेसिकली तब तो आप वहां पे सक्सेस पा लेते हो। सक्सेस इन द सेंस कि आप एटलीस्ट उसके लायक हो गए दिस इज बिल्कुल अ
नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट टू बीकम सक्सेसफुल. नेसेसरी क्या, पहले ढालो अपने आप को उसकी तरह, फिर मेहनत तो और करनी पड़ेगी क्योंकि इसको भी सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए. और जैसे आपने कि ना लाइफ में क्या रहता है कि जब आपकी, जैसे आपका इनिशियल आपने बताया कि आपके लिए पहले IIT क्रैक करना आपका एक एक उद्देश्य बन गया लाइफ का, कि मैं भाई अपने जौनपुर से निकल के दिल्ली आना है मेरे को, तो वो आप कर पाए राइट. फिर एक बार जब IIT में आ गए तो आपका उद्देश्य बन गया कि भाई मैं आप रिसर्च करूंगा, मुझे और स्टडी करना है, तह तक जाना है फिजिक्स के. फिर आपने PhD कर ली, आप US आ गए. फिर जब आपने उसके अंदर करा, फिर आपको लगा कि अब मैं इसको अप्लाई करना है, फिर आप कॉर्पोरेट में आए. तो अब देखा जाए तो आपका भी जो सक्सेस के पैरामीटर्स है ना, जैसे आप बता रहे थे, चेंज होते, तो इसलिए जर्नी बननी शुरू हो गई बेसिकली. अगर आप ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू टुक, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी बाय इटसेल्फ राइट. सो इट वाज नेवर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट हैड अप्स एंड डाउन्स. और हम सब की लाइफ में ये सब चीजें आती हैं, और इससे ये निकल के आता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी उनके क्रेडेंशियल्स हों, कितने भी डेडिकेटेड हों, हम सबको मेहनत करनी पड़ती है राइट. कुछ गॉड गिफ्ट होता है कि भाई जैसे आपका इंटरेस्ट ही आपका जैसे फिजिक्स में लगता था, या आप अपने बड़े भाई बहनों की किताबें पढ़ लेते थे जबकि और बच्चे बाहर खेलने भाग जाते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे राइट. तो ये गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं ये आपके, जो आपको आपको नवाजा है भगवान ने इन चीजों से राइट. तो जो आपके पास है, अब वो आपको उसको इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर है कुछ हद तक, काफी हद तक. जबकि मेरा थोड़ा सा मानना ऐसा है कि जो भी होता है हम पहले से लिखवा के लाते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हमसे करवाया जा रहा होता है. जैसे बात कर रहे हैं, ये भी एक हमारा समय ऐसा बना कि मेरी कॉल थोड़ी डिली स्कड्यूल हो गई, आपके पास टाइम आ गया और हम मिल गए और बात कर ली. और कई बारी जो है टाइम ही नहीं मिलता, कितना भी कोशिश करते रहो और नहीं होता. तो आई थिंक समय को देखते हुए अगेन टाइम चेक हियर कि कुछ ही समय बचा है हमारे पास और वी आर कमिंग टू एन एंड. बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी फुलफिलिंग कॉन्वर्सेशन. हम थोड़ा लोग हमने आपकी PhD से स्टार्ट करते हुए आपकी फंडामेंटल क्वांटम फिजिक्स के अंदर घुसे, थोड़ा सा आपने जानकारी दी ग्रेविटेशनल थ्योरी या गैलेक्सीज के बारे में, या बिग बैंग कैसे होता है, क्वांटम फिजिक्स वर्सेस यू नो ग्रेविटेशनल थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स ऑल इन बिटवीन. तो मेरे अपने लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण था. मुझे ऊपर ऊपर थोड़ी सी आइडिया था, ऑफकोर्स मैं आपके जैसा फिजिसिस्ट वगैरह तो नहीं हूँ, तो एक इतना एक जैसे कहते हैं फ्रेमवर्क में मैंने बांध नहीं रखा था. मुझे पता तो था, हाँ कुछ ये ग्रेविटेशनल भी पता था, क्वांटम भी पता था, क्लासिकल तो पता ही पता था क्योंकि वो तो हम लोग करते ही हैं. तो आपने उसको एक एक फ्रेमवर्क में बांधा तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर. और दूसरा आपने बताया कि क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, जैसे आपने बताया कि क्वांट्स के लिए करते हो उसका और बार हाई रहता है, और जितने भी तो जस्ट सबके लिए हम बता देते हैं कि जो क्वांट्स रहते हैं बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं कि कहाँ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग भी हम कई बार बोलते हैं, या आपने वो म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं तो एलोकेशन कैसे करनी है स्टॉक्स की उसके अंदर, सो एज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू व्हाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क, उसके अंदर क्वांट लोग जो है अक्सर काम किया करते हैं बेसिकली. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा था हमारा डिस्कशन, बहुत ही बेहतरीन हुआ. मैं आपका दोबारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय, कीमती समय दोबारा निकाला और दोबारा इस सेशन में आए. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड हमें लगता है कि आगे भी आपसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आते हैं और एक एकदम खुले विचार से और एकदम कुछ भी बिना छुपाते हुए आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं. तो वन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स. And are there any last notes that you would like to share? No last notes, but again, just thank you, Arpit, and I hope to see you again. Take care, then bye. Bye.